बाबा अली के घर में आप ले जाइए, देखिए कि इस वक्त जैनब जी क्या पी जाते हैं। जो बेटियों वाले हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि बेटियों की बड़ी मोहब्बत होती है बाप के साथ, बेटियों की बड़ी मोहब्बत होती है। जब अल्लाह जाने उस वक्त जैनब की क्या कैफियत होगी, जब आसमान से आवाज आई अला कोतिल अमीर अल मोमिनीन, अला कोतिल अमीर अल मोमिनीन, अली कत्ल कर दिए गए, तो यकीनन आसमान से ये आवाज आई तो कहा कि आयशिया यतीम हो गए हैं, आज मजलूमान करबला यतीम हो गए हैं, आज नमाज यतीम हो गई है। अज़ादारो ये जब आवाज ज़ैनब के कानों में पड़ती है, हाँ हाँ तारीख कहती है, उलमा पढ़ते हैं ज़ैनब हुजरे से निकलकर कई मर्तबा दरवाजे पे आती है, लेकिन ज़ैनब फिर चली जाती है। या कि जब मौला को ये ज़रबत लगी ना, आए हाय मजलूमे करबला, हाँ हाँ मौला हुसैन की क्या कैफियत होगी, हाँ मौला हसन की क्या कैफियत होगी, हाँ शहजादी ज़ैनब की क्या कैफियत होगी, बीबी उम्मे कुलसूम की क्या कैफियत होगी। अज़ादारों जब ये खबर मिलती है, हाँ हाँ मौला हुसैन ने रोना शुरू किया, मौला हसन ने रोना शुरू किया, बहादुर अली कहते हैं, हाँ हाँ बेटा हसन रो नहीं, रो नहीं, मर्दों पे ये मुसीबत आया करती है। मौला हुसैन रोए, कहा हुसैन रो नहीं सबर कर, हुसैन रो नहीं सबर कर। अज़ादारो मौला अली बेटों को तसल्लिये दे रहे हैं, बेटों को तसल्लिये दे रहे हैं, या के एक मर्तबा मौला को हाँ हाँ मस्जिद से लेकर जब घर के दरवाजे पे आ जाते हैं, मौला इस कैफियत में रुक जाते हैं। सहाबा को कहते हैं, सहाबा चले जाओ, दूर चले जाओ, मुझे तनहा छोड़ दो। हाँ हाँ सहाबा कहते हैं, हाँ मौला इस कैफियत में हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं, जरब इतनी गहरी लगी है, इस कैफियत में हम तुझे नहीं छोड़ सकते। अज़ादारो मौला ने क्या कहा, एक जुमला कहा, कहा साहबियो क्या तुम्हें पता है इस हालत में मुझे बेटियां देखेगी, आहा क्रिया पुकार करेगी। अज़ादारो मैं कहूँगा मौला, मौला आप अपनी बेटी ज़ैनब की रोने की आवाज सहाबा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरा सलाम हो शहजादी ज़ैनब पर। जब शाम दाखिल होती है और खुतबा दे रही है, अल्लाह जाने उस वक्त आपकी क्या कैफियत होगी। यहाँ दादारो मौला अंदर दाखिल हुए, उस हुजरे में गए, वहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, रोना शुरू किया, मौला हसन आगे बढ़ते हैं मातम शुरू करते हैं, मौला हुसैन आगे बढ़े मातम शुरू किया, हाँ मौला अली ने तसल्लिये दी, बेटा सबर करो, बेटा सबर करो, हाँ हाँ लेकिन उलमा पढ़ते हैं, जब बीबी ज़ैनब आई ना, जब बीबी उम्मे कुलसूम आई ना, रोना शुरू किया। अब अली ने बेटियों को तसल्ली नहीं दी, ये नहीं कहा बेटियों सबर करो मत रोना मत रोना, लेकिन हाँ हाँ ज़ैनब पर रोना अली पे इतना लगा कि मौला अली भी रोने लगे, मौला अली भी रोने लगे। ज़ादारो तबीब को बुलाया गया, तबीब को बुलाया गया, जख्म इतना गहरा था, कहा मौला को और कुछ न दिया जाए, हाँ हाँ सिर्फ मौला को दूर बुलाया जाए। अज़ादारो हाँ हाँ उलमा पढ़ते हैं, बुजुर्ग उलमा पढ़ते हैं, जब कूफे वालों को पता चला ना कि मौला के लिए तबीब ने दूध कहा मुअय्यन किया है, अज़ादारो बच्चों को पता चला, बच्चे भागे घर की तरफ, आहा मेरे बुजुर्गों को पता चला, बुजुर्ग भागे घर की तरफ, मस्तूरात का पता चला, घर की तरफ जाते हैं, जो भी मिलता है दूध
आके मौला के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। आपको पता नहीं कहा मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कहूँगा मौला अली कितने खुशकिस्मत आहा, आपने दूध तबीब ने दूध वाई हल किया लेकिन बच्चे भी बुजुर्ग भी मस्तुराद भी दूध का जाम लेकर आपके दरवाजे पे पहुंच गए। मेरा सलाम हो तेरे गरीब हुसैन पे जिसने दूध नहीं मांगा था, पानी का सवाल किया था, वो भी अपने लिए नहीं अपने 6 महीने बच्चे के लिए। अजादार तारीफ मिलता है। हाँ जब मौला ने सवाल किया ना पानी का तो मलून ने हुक्म दिया कि कमान में तीर छोड़ा जाए, या कि एक मलून ने तीर चलाना चाहा तीर गिर जाता है। क्या कसूर है मैं तीर चलाऊं, कहते तारीफ कहती है। मलून आगे बढ़ा तीर अंदर उसके आंखों पे हाथ रखा कहा भी तीर चला दे अजादारो तीर चला दा या के अजादारो एक दो के बाद इतना ना है वह इन्ना इलाही है रातियों अजादारो। हाँ अजादारो जाब मौला पे सब गिरिया कर रहे थे ना, मौला हुसैन आगे बढ़े कहा बहन जैनब सबर कर या के बीबी शहजादी आगे बढ़ी ना, मौला हुसैन के गले में हाथ डाला पाए डाल के रोना शुरू किया। शायद बीबी जैनब को याद आ रहा होगा, कहाँ वो वक्त याद आ रहा होगा। हाँ वहाँ भैया हुसैन तो मुझे आराम से कह रहा है ना कि सबर कर। हाँ 10 मुहर्रम को सकीना तेरी गोद में रोएगी, मलून आगे बढ़ के तमाचे मारे। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन।